There is a huge rape case. I'm not going to mention any names either. It's just that unfortunately they couldn't find another picture of a white girl and this person, so they had to use my picture. Am I the victim? No. एनाबेल की तरफ से आई ये चौंकाने वाली खबर। क्या एनाबेल का रेप हुआ है, इसके विषय में उन्होंने क्या कहा, इसका कंप्लीट वीडियो हम लेके आ चुके हैं। एंड दोस्तों आज हम बात करेंगे सुंदरम, ललित कपूर, जीजो जॉन, रवि पवार के लेटेस्ट फिजिक अपडेट के विषय में। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपका दोस्त हर्ष पांडे। तो हमारे पहले बॉडी बिल्डर है सुंदरम, और सुंदरम अपने लेटेस्ट फिजिक अपडेट शेयर करते हुए इस पिक को शेयर करते हैं और इसके नीचे कैप्शन में वो हमको अपडेट देते हैं कि उनको हल्की सी माइनर सी इंजरी हो गई। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो लिखते हैं आज कोई वर्कआउट क्लिप नहीं पोस्ट की है, माइनर पीईसी टीयर मतलब कि पेक्टोरियल टीयर हुआ है ऑन थर्ड सेट ऑफ इंक्लाइन बेंच प्रेस, मतलब जब ये इंक्लाइन बेंच प्रेस कर रहे थे तब इनको माइनर इंजरी हुई है। कमिंग 5-7 डेज दिल्ली में रहूंगा ट्रीटमेंट के लिए, कीप मी इन योर प्रेयर्स, ये प्रेप मेरे लिए सब कुछ है, आई विल बी बैक। यहाँ पर सुंदरम हमको अपडेट देते कि कल इंक्लाइन बेंच प्रेस की एक्सरसाइज करते समय उनके चेस्ट में हल्की सी इंजरी हो गई है, जिसके लिए वो 5-7 दिन लगभग आराम करेंगे, फिर उसके बाद वो वापस अपना वर्कआउट स्टार्ट कर देंगे। अब वो हमको बताते कि जो जिस मसल में वो डैमेज हुई है उनकी मसल, वो है पेक्टोरियल मसल के आसपास का एरिया, जो कि स्टर्नम और जो पेक्टोरियल जो मसल होती है वहाँ के आसपास की। जैसे मैं आपको एक गूगल से जो हमने पिक भी निकाली कि पेक्टोरियल मसल कहाँ पास होती है, जो माइनर होती है जो मेजर, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सुंदरम बताते कि उनको माइनर इंजरी हुई जो कि 5-7 दिन के ट्रीटमेंट में ठीक हो जाएगा, अब वो वापस से अपना वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हैं। तो सुंदरम के लिए बेस्ट विशेष कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और वापस से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। इस बार सुंदरम का जो एम है वो सीरू क्लासिक में गोल्ड मेडल के साथ प्रो कार्ड भी हासिल करना, क्योंकि पिछले बार ही गोल्ड मेडल जीत चुके हैं अपनी कैटेगरी में। तो आप लोग क्या लगता है, क्या इस बार सुंदरम प्रो कार्ड हासिल कर पाएंगे सीरू क्लासिक में कि नहीं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और जो इनके कोच है उनका नाम है तेजस। अब हम अपने नेक्स्ट बॉडी बिल्डर के विषय में बात कर लेते। तो हमारे नेक्स्ट बॉडी बिल्डर है जीजो जॉन, और वो भी अपने लेटेस्ट फिजिक अपडेट शेयर करते, तो इस पिक को शेयर करते हैं और इसमें वो हमको बताते हैं कि उनका जो ये ऑफ सीजन चल रहा है वो अभी तक का सबसे बेस्ट ऑफ सीजन चल रहा है। और वो अपनी मील के विषय में बताते हैं वो कितनी मील लेते हैं, प्रेजेंट टाइम में जो उनकी टोटल मील होते हैं वो कितनी कैलोरी लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर वो लिखे 6 डे वो ट्रेनिंग करते हैं, 8 घंटे वो सोते हैं। अब हम आपको जीजो जॉन का करंट वेट बता देते कि उनका प्रेजेंट टाइम में वेट कितना है। प्रेजेंट टाइम में जो उनका वेट है वो है 105 kg, और जो इनका स्टेज वेट होगा मतलब जो ये एम रखे अपने नेक्स्ट शो में, जिस भी शो को खेलेंगे उसमें जो वो स्टेज में अपना बॉडी वेट लेके जाएंगे वो रहेगा 94 kg, और पिछले वाले शो में मतलब ये पिछले वाले जॉन से भी कॉम्पिटिशन खेले थे उस समय उनका वेट था 87 kg, मतलब कि ये 87 kg से इस बार 94 kg का अपना बॉडी वेट लेके जाएंगे, मतलब कि लगभग 7 kg के आसपास वो अपने बॉडी में लीन मसल मास गेन करके जाने वाले हैं। तो आप लोग क्या लगता है, क्या जीजो जॉन इस बार गोल्ड मेडल के साथ मैन फिजिक डिवीजन में प्रो कार्ड भी हासिल कर पाएंगे 2023 में कि नहीं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे नेक्स्ट बॉडी बिल्डर है रवि पवार। रवि पवार भी अपने लेटेस्ट फिजिक अपडेट शेयर करते हुए अपने 3-4 एंगल की पिक शेयर करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्हीं पिकों में जब आप तीसरे नंबर की पिक में फोकस करते हैं तो हम आपको इस पिक को एक हॉलीवुड के हीरो की पिक से कंपेयर करके दिखा देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हल्के की तरह कुछ पोजिंग दे रहा है। आप यहाँ पर रवि पवार की जब बॉडी को भी देखेंगे तो जिस हिसाब से ये गेनिंग कर रहे हैं अपनी बॉडी में, तो जस्ट लाइक ये हल्के की तरह दिख रहे हैं। तो आप लोग क्या लगता है, क्या रवि पवार को इसी तरह आगे भी अपना बॉडी वेट लीन मसल मास के साथ गेन करना चाहिए कि नहीं, क्या फिर इन्हें यहाँ पर स्टॉप करके अब यहाँ पर अपनी कटिंग स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये भी पार्टिसिपेट करने वाले सेरू क्लासिक 2023 जो कि दिल्ली में 16 से 18 जून के बीच में होने वाला है। तो फाइनली रवि पवार के इस कंडीशन को देख के आप लोग क्या लगता है, क्या रवि पवार अपने ग्रुप बी में जिसमें अभिषेक यादव और सुंदरम भी पार्टिसिपेट करते, क्या वो इनको बीट करके इस बार मैन फिजिक डिवीजन में गोल्ड मेडल जीत के प्रो कार्ड हासिल कर पाएंगे कि नहीं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब दोस्तों हम अपने नेक्स्ट बॉडी बिल्डर के विषय में बात कर लेते हैं। तो हमारे नेक्स्ट बॉडी बिल्डर है ललित कपूर, और ये खेलते हैं मैन फिजिक डिवीजन से। इनके कोच है मुकेश सिंह गहलोत, ये भी अपने लेटेस्ट फिजिक अपडेट शेयर करते हैं, इस वीडियो को शेयर करते हैं, और इनका करंट वेट है 80 kg, और जो इनका पहला कॉम्पिटिशन अभी वो खेलने वाले सेरू क्लासिक से पहले वो खेलेंगे NPC पंजाब जो कि जलंधर में 23 अप्रैल से होने वाला है। और हम आपको इनकी पिछली प्रैप की एक पिक भी यहाँ पर दिखा रहे हैं जिससे कि आपको समझ में आ सके कि ये अपनी बॉडी की किस कंडीशन को स्टेज में शो करते हैं, मतलब कि स्टेज के टाइम में इनकी कंडीशन ऑन पॉइंट रहती है या हमेशा एस्थेटिक लुक में दिखते हैं। तो आप लोग क्या लगता है, क्या इस बार ललित कपूर
अपने ग्रुप में गोल्ड मेडल जीत पाएंगे कि नहीं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और ललित कपूर के लिए बेस्ट ऑफ लक लिखना मत भूलिएगा। और आप लोग, हम जिन भी बॉडी बिल्डर के विषय में यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल में बताते हैं, आप इनको जाके इनके इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, एक हो गया पावर ट्रेनिंग, दूसरा मसल हाइपरट्रॉफी के लिए जो बॉडी बिल्डर करते हैं, तीसरा है आपका एंड्योरेंस ट्रेनिंग। फ़र्क क्या है? पावर ट्रेनिंग का मतलब 2 से 5 रेप की ट्रेनिंग, मेन जो आपके सेट्स होते हैं, और इसमें रेस्ट टाइम आपका चलेगा सेट्स के बीच में 3 से 5 मिनट, क्योंकि हैवी लोड, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है, 3 से 5 रेप का, तो रेस्ट टाइम भी ज़्यादा चाहिए। दूसरा है मसल हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग, जो मेन आपका बल्किंग के टाइम पे हम करते हैं साइज गेन करने के लिए बॉडी बिल्डर्स। अगर आप बॉडी बिल्डर हैं और आप 2 से 5 रैप की ट्रेनिंग करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप ईगो लिफ्टिंग कर रहे हैं, आपको ज़रूरत नहीं है, आप 8 से 12 रैप पे जाएं, और इस ट्रेनिंग में आपका रेस्ट टाइम रहेगा 2 मिनट के अंदर अंदर, और 8 से 12 रैप मैक्सिमम वेट जो आप लिफ्ट कर सकते हैं सही पोस्चर के साथ। तीसरा हो गया आपका एंड्योरेंस ट्रेनिंग, क्योंकि इसमें आपका रैप रेंज आएगा 12 से 16-18 रैप तक, ऑब्वियसली लोड कम हो जाएगा, क्योंकि 18 रैप लगाएंगे तो लोड कम रहेगा, कम लोड रहेगा तो आपका रेस्ट टाइम भी कट हो जाएगा। यहाँ पे आपका रेस्ट टाइम रहेगा 1 मिनट के अंदर अंदर। अब प्रॉब्लम आती है, 1 मिनट के रेस्ट में दोबारा सेट लेंगे तो आपका ब्रीदिंग नॉर्मल नहीं हो पाता, इसके लिए आपको कार्डियो की पेस आपका बढ़ाना पड़ेगा। कार्डियो अच्छा करेंगे, आपका स्टेमिना अच्छा होगा, तभी आप इतने कम रेस्ट में ट्रेनिंग कर पाएंगे। तो पावर ट्रेनिंग में 3 से 5 मिनट का रेस्ट, मसल हाइपरट्रॉफी में 2 मिनट का, और एंड्योरेंस ट्रेनिंग जो हाई रेपिटेशन हम करते हैं कटिंग के टाइम पे, उसमें आपका 1 मिनट के अंदर अंदर रेस्ट होना चाहिए। तो आप अपनी ट्रेनिंग को चेक करें, पावर ट्रेनिंग करते हैं या मसल साइज गेन करना है, या आप एंड्योरेंस फेज में हैं, उसके अकॉर्डिंग लोड लें, उसके अकॉर्डिंग रेपिटेशन लें, उसके अकॉर्डिंग अपना रेस्ट टाइम डिसाइड करें। थैंक यू। हाय, ओके, सो दिस इज़ फॉर everybody in India, I just want to talk about the elephant in the room. We all know what's going around. There is a huge rape case. I'm not going to mention any names either. The point of this video wasn't me coming on here and saying anything about it. It's just that unfortunately they couldn't find another picture of a white girl and this person, so they had to use my picture. Am I the victim? No. I'm not even Polish, I'm Brazilian. But unfortunately, people who don't know me, they'll see the picture and then they think that I'm the victim when I'm not. So I just wanted to come on here and say that. I really wanted to ignore this, but I started getting the wrong attention directed to my page because of this, and people are commenting underneath my posts now saying, "Ma'am, we're with you. I'm sorry for what you're going through." Again, not the victim. They just used my picture. Oh, God. When you think things just couldn't go any worse, right? Like, last year was crazy, and now, like, this year something else is happening. अभी यहाँ पर जो बोलने थी, उनका नाम है एनावेल, और ये फिटनेस फील्ड से रिलेशन रखते हैं, आप यहाँ पर जैसे कि इनके फोटो के माध्यम से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर जो ये बोलना चाहते थे, वो यहाँ पर ये बोलने थे कि आई एम नॉट अ विक्टिम, मतलब कि मनीष गांधी का आप लोगों ने सुना होगा कि मनीष गांधी के ऊपर कुछ रेप केस से रिलेटेड कुछ केस लगे हुए हैं, तो उसी चीज़ के विषय में जब मनीष गांधी के साथ लगता है NDTV न्यूज में या किसी अदर न्यूज चैनल में इनके मतलब रेप वाली लड़की के विषय में तो मतलब फोटो आई नहीं है, लगता है एनावेल की फोटो का यूज किया जा रहा है, क्योंकि ये सेरू क्लासिक, अमेचर ओलंपिया, इन शो में आती रहती है क्योंकि इनको बुलाया जाता है। और जैसे कि आप सभी को जानते हैं कि सेरू क्लासिक को मनीष गांधी ऑर्गेनाइज करते हैं, तो एनावेल जब सेरू क्लासिक में आई तो वो मनीष गांधी के साथ भी कुछ पिक उन्होंने जरूर खिंचवाया होगा। इन्हीं पिकों को NDTV या फिर अदर न्यूज चैनल वालों ने डायरेक्ट इस पिक को उठा के मनीष गांधी के रेप केस वाले रिलेटेड पिक से यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर लगा दिया। तो यहाँ पर एनावेल यही क्लियर कर रही है कि वो विक्टिम नहीं है, वो मनीष गांधी के साथ वाले केस में नहीं है। तो यहाँ पर एनावेल ने क्लियर कर दिया है कि उनके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को आगे भी इसी प्रकार से बॉडी बिल्डिंग और कॉम्पिटिशन से रिलेटेड न्यूज चाहिए, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लस सेरू क्लासिक में जो भी बॉडी बिल्डर इस बार पार्टिसिपेट करने वाले हैं, यदि आप उनके विषय में जानते हैं, तो आप हमारी इंस्टाग्राम ID स्मार्ट बॉडी किलर में उनकी ID शेयर करिए, हम उनको अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करेंगे।